नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बंगाल राइडर। मैं हूं आपका दोस्त अरिजीत, और अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप एक अफोर्डेबल एंड डिपेंडेबल स्कूटर के लिए और जो एक साथ साथ आपको एक स्टाइल स्टेटमेंट भी दे और जो लड़का और लड़की कोई भी चला सके, कोई एजेड आदमी, मिडिल एजेड आदमी या फिर कोई 50s या 60s में जिनका एज है वो भी चला सकते हैं, ऐसे एक स्कूटर के तलाश में है, तो आप ज़रूर जो ऑप्शन है यामा रे जी या फिर यामा रे जेड, इसको एक बार आसमाकर देख सकते हैं, इसका एक बार टेस्ट राइड करके देख सकते हैं। एक बहुत ही अफोर्डेबल जो प्राइस टैग है उसके साथ आता है विथ सम गुड फीचर्स, एंड इसका जो माइलेज है, इसका जो इंजन का रिलायबिलिटी है यामा का, वो भी अपने सेगमेंट में बहुत ही बढ़िया है। एंड इसका अगर आप स्टाइलिंग को देखें, इसका अगर आप अगर फीचर्स को देखें, तो किसी भी आदमी के लिए और कोई भी इसे अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि इसका जो फ्यूल एफिशिएंसी है, इसका जो मेंटेनेंस है, वो भी बहुत ही मिनिमल रखा गया है कंपनी की तरफ से। अगर आप सामने से देखें तो आपको एक कम्प्लीटली फाइबर बॉडी और इसका जो एक ब्राइट हेडलैम्प एंड जो इसका जो इंडिकेटर्स है वो क्लियर लेंस इंडिकेटर्स मिल जाता है। ग्राफिक्स इसमें डुअल टोन ग्राफिक्स एक्चुअली यूज़ किया गया है। मैं जो रिव्यू कर रहा हूँ इसमें ब्लू और ब्लैक का ग्राफिक्स यूज़ किया गया है, एंड यहाँ पे आपको सिग्नस रेजी का एक बहुत बढ़िया एम्बलम मिल जाएगा जो कि इसका स्टाइल स्टेटमेंट को और भी बढ़ा देता है। इसमें हाईटेक परफॉर्मेंस एंड यामा का बैजिंग आपको साइड पैनल्स एंड मडगार्ड में मिल जाएगा, एंड दोनों ही तरफ इसमें जो है ट्यूबलेस टायर्स यूज़ किया गया है। 90x100 का 10 इंच का ट्यूबलेस टायर्स दोनों ही तरफ आपको मिल जाता है विथ 130mm ड्रम ब्रेक्स एट बोथ द व्हील्स। अगर आप इंस्ट्रूमेंट एंड स्विच गियर क्वालिटी को देखें तो ये भी डिसेंट है, एंड इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो बिल्कुल बेसिक रखा गया है। एक स्पोर्ट्स का स्टाइल का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें दिया गया है, जिसमें आपको स्पीड, टोटल किलोमीटर्स एंड फ्यूल मीटर आपको मिल जाता है। इसका मिरर्स भी डिसेंट है, जो कि यामा के हर एक व्हीकल के साथ आता है, एंड इसका सामने का जो ब्लैक भी देखने में इसका जो लुक्स है इसको एनहांस करता है। इसका अगर दोस्तों कन्वीनियंस ऑप्शन को देखें तो शायद इसमें अंधेरे में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे दो पॉकेट्स दिया गया है ताकि आप अपने छोटे से बॉटल या फिर मोबाइल, छोटा छोटा मोटा कोई भी सामान इसमें रख सकते हैं। चोक भी दिया गया है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाला बात नहीं है, एंड इसका जो लेग स्पेस है वो भी काफ़ी डिसेंट है। इसका अगर दोस्तों सीट को देखें तो सीट अपने सेगमेंट में ठीक ठाक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही लॉन्ग है, लेकिन सीट ठीक ठाक है। एंड पीछे जो एलुमिनियम ग्रैब रेल दिया गया है विथ यहाँ पे आपको ब्लू कोर का बैजिंग एंड यामा रे जी का जो ब्रांडिंग है वो आपको मिल जाता है। पीछे का जो ग्रैब रेल है एंड बॉडी कलर ग्रैब रेल दिया गया है, जो कि इसका स्टाइल स्टेटमेंट को और भी बढ़ा देता है। एंड दोस्तों, अगर इसका सस्पेंशन की बात करें तो सामने आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड पीछे यूनिट स्विंग आर्म मोनो सस्पेंशन आपको मिल जाता है। रेड कलर का स्प्रिंग्स है जो कि आपको एक अच्छा खासा लुक्स देता है। एंड दोस्तों, अगर इंजन का बात करें तो वही सेम यामा के जो स्कूटर्स में यूज़ होता है इंजन यूज़ किया गया है, सिंगल सिलेंडर 113cc एयर कूल्ड इंजन, जिसमें ब्लू कोर टेक्नोलॉजी दिया गया है, जो प्रोड्यूस करता है 7.2 PS पावर एंड 8.1 Nm ऑफ टॉर्क। पीछे का बैक लैंप क्लस्टर अगर आप देखें तो इसके साथ ही इंटीग्रेटेड जो टर्न इंडिकेटर्स है उसके साथ भी ये काफ़ी अच्छा मैच करता है। आप इसके जो मफलर कवर है उसमें भी यामा का ब्रांडिंग देख सकते हैं। तो कंप्लीट आप अगर इसका लुक को देखें तो लुक्स बहुत ही बढ़िया है एंड लुक्स बहुत ही स्टाइलिश है। इसका जो सीट हाइट आप देखें तो सीट हाइट 760mm है, ताकि लड़की लोग भी या फिर लड़के जिनके हाइट कम है वो भी इसे चला सकते हैं। कर्व वेट काफ़ी कम है फाइबर बॉडी के होने की वजह से, जो इसका हैंडलिंग को और भी बढ़ा देता है। 104 kg का कर्व वेट है। एंड अगर दोस्तों इसका सामने से लुक देखें और पीछे से भी, ये बहुत ही एक स्टाइलिश स्कूटर है, जो कि इंडियन जो हम लोगों का मार्केट है उसमें अंडररेटेड है। अंडररेटेड का मतलब ये है कि अभी तक लोग इसका वैल्यू नहीं समझ पा रहा जितना कि समझना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको ये स्कूटर एक बार टेस्ट करके देखना चाहिए। आपको अभी हर एक स्कूटर, यामा के स्कूटर में एक ऑप्शनल मोबाइल चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप चाहे तो उसे एडिशनल एक्सेसरीज में लगा सकते हैं। बूट स्पेस भी काफ़ी बढ़िया है, अराउंड 20 liters आपको बूट स्पेस मिल जाता है, और मोबाइल चार्जिंग आप इसमें जैसे कि मैं कहा आप लगा सकते हैं। एंड इसका जो फ्यूल टैंक है वो 5 liters का फ्यूल टैंक है। दोस्तों, इसका अगर माइलेज की बात करें तो सिटी और हाईवे मिला के अराउंड 45 से लेकर 48 km तक माइलेज देने में आपको सक्सेसफुल रहेगा, अगर आप नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल तरीके से राइड करें तो। इसका जो एक्स शोरूम प्राइस रखा गया है कोलकाता में वो भी काफ़ी डिसेंट है,
और कम्पिटिटिव प्राइस है 52,119 रुपीज़, यानी कि 52,119 रुपीज़, जो कि आज के डेट में एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। दोस्तों अगर आप इसके कॉन्स के बारे में मुझसे पूछा, मुझे कॉन्स लगा क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही कम है, 128 mm, तो अगर आप थोड़े से हैवी राइडर है और अगर आपके पीछे पिलियन है तो आपका जो बाइक स्कूटर का नीचे का हिस्सा है वो ज़मीन से टकरा सकता है क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम दिया गया है। नॉर्मल राइडिंग से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा लेकिन बड़े से स्पीड ब्रेकर्स या फिर काफ़ी लोड होने से ज़मीन से टकरा सकता है। एंड इसका जो टायर्स है वो अगर अलॉय व्हील्स होता एंड अगर डिस्क ब्रेक का कोई ऑप्शन होता तो बेटर होता। इंजन बहुत ही रिलायबल है और जो स्कूटर है उसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही रिलायबल है एंड इसका जो मेंटेनेंस है वो भी मिनिमम है, तो आप इसे ज़रूर एक बार टेस्ट राइड करके देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।